बाहर से मैंने पीताम्बरी से किया था और अंदर से मैं नींबू से करती हूँ। अंदर से मैं पीताम्बरी यूज़ नहीं करती, अंदर मैंने नींबू से यूज़ किया है और फिर घस देती हूँ मैं, जो हम बर्तन साफ करते हैं उससे। तो हो गया साफ, चाय शक्कर का डब्बा ही चमक गया है, मसाले का डब्बा भी हो गया है, सबको धो दिया है, नमक का डब्बा, तेल का, सब मैंने साफ कर दिया है, हो गए सब रेडी। तो बस तो पहले तो इनको सबको भर लेते हैं, चाय शक्कर वगैरह सब खाली किया हुआ है ना, तो अभी इनमें डाल देती हूँ, बर्तन लगाती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ, फिर डिनर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस अभी मटके में भी पानी भरना है, इसमें भी एक्स्ट्रा पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी में पानी की बॉटल वगैरह भी एक्स्ट्रा हो जाता है ठंडा पानी पीने। तो बस अभी पानी भर के रखते हैं और चाय बना लेते हैं। तो बस जहाँ से अभी मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो वीडियो को तो मैंने एडिटिंग कर दिया, दोपहर को अपलोड करने के लिए रख दिया है, एक कंटिन्यू वीडियो रहेगा, तो बस यहीं से एंड शाम से अभी स्टार्ट किया है। बस मैं इनको रिफिल कर देती हूँ, सब खाली किया है वो, ये मेरा मसाला का बॉक्स है, मसाले का डब्बा है, वो भी सब भर देते हैं इसमें। Thank you.
बढ़िया लगते हैं चमकते हुए बर्तन। अरे तो चाय बनाते हैं। इसे चमक जाते हैं, एक हाथ से ही साफ हो जाते हैं, ऐसे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सुबह जमा दिया था मैंने दही को, तो अच्छे से जम गया है ये। धूप खत्म हो गई है, धूप लेके आना है। बस डिनर में ये आलू मटर और टमाटर मिक्स की थोड़ी ये सब्जी बनाया है। बस यही बनाया, गर्मी में किसी का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर आशीष के पापा ने कहा कि आलू मटर बना लो, बस यही बनाया है। चलिए डिनर कर लेते हैं।
Thank you.